बीजेपी के राज में कुछ भी अजीब नहीं लगता, और स्पेशली अगर इस तरीके की हरकत हो जहां लोगों की ब्रांडिंग करी जा रही हो, लोगों का आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा हो, और उसके पीछे मकसद सबको मालूम है कि किस तरीके का आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। मुझे जी तो घूम फिर के बड़ी बड़ी डेंजरस स्थिति लगती है इस तरह की जब हरकतें होती हैं। तो मुझे तो 1930s का 20s का जर्मनी याद आता है। तो कभी कभी यही लगता है कि ये कहीं ऐसा दुर्भाग्य ना हो जाए। लेकिन अभी जो बातें सबने कही, मैं सबकी बात से थोड़ा थोड़ा सहमत हूँ, और सतीश जी की भी बात बहुत सही बात है कि ऐसा नहीं है कि एक तरफ, किसी भी एक तरफ बड़ी तेजी से हवा बन गई है। लेकिन ये फैक्ट है, देखिए आज से 2 महीने पहले अगर आप पूछते तो हम कहते कि ठीक है ये बीजेपी का वापस स्वीप है, लेकिन ये 2 महीनों में बहुत कुछ बदला। और बदलने का पहले क्या हालत थी कि अखिलेश यादव अपने दरवाजे के अंदर ही बैठे हुए थे, सब लोग ये ताज्जुब करते थे कि क्या हो गया, ये नहीं निकलते ही नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकलते। बड़े बड़े जरूरत पड़ी जहां आंदोलन की जरूरत थी वहां पे भी इन्होंने कोई आगे बढ़कर चढ़ के कोई करना, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे उन्ना हो, चाहे हाथरस हो, किसी मामले में वो ज्यादा दिखे नहीं। उसके बाद भी बड़े टाइम लगा दिया, सब लोग सोचने लगे थे कि इनको हो क्या गया है। उसके लोग ये भी लगाने लगे अटकले कि कहीं उसी तरह जिस तरह मायावती को डरा रखा है बीजेपी ने सीबीआई और ईडी वीटी, आजकल ये सब भी तो बहुत होता है, तो उसी वजह से इनको भी डरा दिया गया हो। लेकिन जब अखिलेश निकले उसके बाद तो बड़ा सरप्राइजिंग था हमारे लिए भी, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी वालों के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था जिस तरीके का रिस्पॉन्स अखिलेश यादव को मिलना शुरू हुआ। और जब जाहिर है कि अगर अखिलेश यादव खुद अचंभे में पड़ गए होंगे तो बीजेपी को कितना बड़ा अचंभा हुआ होगा। उसके बाद से बीजेपी के कैंप्स में घबराहट दिखने लगी, ये एक इंडिकेशन है। और इस तरीके के फिर उन्होंने जो स्टेप्स लेना शुरू किए, अमित शाह की विजिट्स बढ़ गई, अब देखिए समय के साथ बहुत ज्यादा प्राइम मिनिस्टर की विजिट्स बढ़ गई, और बढ़ चढ़ करके सब लोग तारीफ करने लगे योगी आदित्यनाथ की। मतलब जरूरत से ज्यादा तारीफ, जब आदमी स्पेशली अगर नरेंद्र मोदी किसी की जरूरत से ज्यादा तारीफ करे तो बड़ा डाउट होने लगता है कि इसके पीछे असलियत क्या है। खैर जो भी रही हो, लेकिन जिस तरीके से तारीफ होने लगी और झूठ पे आधारित कि साहब कोरोना का मिसमैनेजमेंट जो है, मैं मुंह से मेरे सच निकल गया, मिसमैनेजमेंट बोल गया, मैनेजमेंट इनके हिसाब से तो मैनेजमेंट है कि साहब इतना बढ़िया मैनेजमेंट इतिहास में कभी नहीं हुआ। नरेंद्र जी मोदी जी ने इस्तेमाल किया शब्द अनपैरल्ड, अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड, जी कोई बराबर नहीं, इतना बढ़िया। हाँ सब, अगर ये मान लिया जाए कि पहले कभी लाशें नहीं बही नदियों में, पहले कभी लोगों को दफनानी पड़ी लाशें क्योंकि जलाने की जगह नहीं थी, पे साधन नहीं था जलाने का, तो अभूतपूर्व है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहना कि साहब हमने बहुत बढ़िया किया और योगी जी ने निकल पड़े कोरोना के बीच में, अरे सबको मालूम है कब निकले थे वो, जब कोरोना हटने लगा, ऑन द वे था, जा रहा था। लेकिन इनका जो स्टाइल है वो कमाल का है, वो तो कोई बीच बीच से सीखना चाहिए। झूठ का आप इतना और अर्ध सत्य का मिक्स का बम्बार्डमेंट कर दीजिए आप, बिल्कुल कारपेट बॉम्बिंग जिसे कहते हैं, कि जगह जगह आपको अपना सच ढूंढने के लिए आपको जो है दिन रात एक करना पड़ेगा कि साहब असलियत क्या है। तो सारा यही बोल रहे हैं, विज्ञापन अखबारों में, टीवी चैनल्स में, होर्डिंग्स में, दीवारों पे, मतलब ऐसा लगने लगे कि आपका जो जो सच आप जानते हैं अपनी आंखों से देखा कान से सुना, वो आप उस आपको झूठ लगने लगेगा। जी उसमें बिल्कुल इनका कमाल है, और पूरी कंट्री में किया है, ऐसा बिल्कुल सही कहा फैला आपने, दिया कि इससे बढ़िया सरकार तो रामराज आ गया है। बिल्कुल सही कहा उसमें आपने, अगर उसके बेसिस पे पब्लिक इंप्रेस हो जाती तो क्लीन स्वीप है। अगर वो ये तब की सब जरूरत पड़ती है जब आदमी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, झूठ आदमी तभी सहारा लेता है झूठ का। तो इन्होंने जिस तरीके से इन चीजों का सहारा लिया है, ओवर पब्लिसिटी और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर ओवर प्ले करना हर बात बात में। अब ये जो हमारे दोस्त कुर्बान ने जो जिक्र किया कैराना का, लोग ये भूल जाते हैं, और ये हम लोगों को पत्रकारों को याद रखना बहुत जरूरी है। कैराना का आरोप लगाया था हुकुम सिंह ने, और हुकुम सिंह अपने जीते जीते, बड़े रिस्पेक्टेबल नेता थे, उन्होंने स्वयं यह आरोप वापस ले लिया था। उन्होंने बड़ा बिल्कुल स्पष्ट किया था, उसके तमाम वीडियोस हैं, अखबारों की खबरें हैं,
कि किस तरह योकुम सिंह ने रिग्रेट एक्सप्रेस किया कि मुझे मिस इन्फॉर्म किया गया था, और ऐसा नहीं है कि कैराना से पलायन हो रहा है इस वजह से कि मुसलमानों ने आतंकित कर दिया। लेकिन साहब देखिए क्या मजाल है कोई इसको बोल दे, वो उसी झूठ पे चल रहा है। तो ये जो झूठ का सहारा जरूरत से ज्यादा लिया जा रहा है, इससे लगता है कि अंदर अंदर घबराहट है। बिल्कुल आपने सही कहा, जो अशोक भाई ने कहा, इन रीजन से मुझे लगता है कि बीजेपी, जो मुझे दिख रहा है, मैं सर्वे सर्वे पे जाता नहीं साहब, सर्वे आजकल कैसे होते हैं सबको मालूम है, इस पे कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, दीपक ने ऑलरेडी समझाया बताया ये, तो उन सर्वे पे तो जाने का कोई मतलब है नहीं, और जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो सर्वे उसी हिसाब से हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी सिचुएशन में जब वो लगे हुए हैं, ओबीसी को छोड़ रखा है कि मुस्लिम वोट में डेंट कर दो, मायावती का भी यही काम, मायावती और ओबीसी एक ही काम कर रहे हैं। ओबीसी और मायावती में इतना फर्क है कि मायावती भी समाजवादी पार्टी का वोट डेंट करना चाह रही है, ओबीसी भी डेंट करना चाह रहे हैं, मायावती इन द बार्गेन एक काम और कर रही है जिससे उनका भी भला हो जाए। भाई अब इसमें तो आप उनको दोष नहीं दे सकते, उनकी पार्टी का कल्चर है टिकट का रेट होता है, और अगर आपकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो तो दाम अच्छा मिलता है, तो अपना चुनाव है अच्छी खासी पार्टी की आमदनी हो जाएगी, तो वो अलग फैक्टर है।